वेलकम टू टेम्पटिंग ट्रेड्स। आज हमने बनाया है दाल मोठ चाट। इसके लिए हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स है। ये मोठ दाल है और ये किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाती है आसानी से। और ये हमारे पास एक प्याज है, टमाटर है, नींबू, एक हरी मिर्च, ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा है और हरा धनिया। तो देखिए, इधर हमने गैस पर पानी भी रख दिया है उबलने के लिए और ये पानी उबल चुका है। इसमें डाल देंगे ये मोठ और इसको ज्यादा देर नहीं उबलना है, 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक। और इसमें आधा छोटा चम्मच हम नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे। तो आधा छोटा चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं और आधा छोटा चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसको 10 मिनट उबाल लेते हैं। जब तक मोट उबल रहा है तब तक इन सारी सब्जियों को हम काट लेते हैं। तो देखिए, 10 मिनट हो गया है और दाल बिल्कुल अच्छी तरह से उबल चुका है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, और गैस को करते हैं हम ऑफ और इसका पानी निकाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे का प्रोसेस आपको। तो देखिए, हमने प्याज टमाटर को भी कट कर लिया है। अब लेंगे हम एक बर्तन और इसमें डाल देंगे ये जो हमने मोठ दाल उबाला था। इसके बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर और ये प्याज। प्याज मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो मैं इसमें कमी यूज कर रही हूँ। हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, ये नींबू। इसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले ये भुना जीरा पाउडर और चाट मसाला, काला नमक। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। नमक पहले भी डाला हुआ है तो ध्यान से नमक डालें। और ये काली मिर्च, लाल मिर्च, ये वाइट नमक। इसके बाद हम सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन सारी चीजों को। और ये एक बार आप जरूर इसे बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए, हमारा ये बनके रेडी हो गया है। अब इसे थोड़ी सी गार्निशिंग करते हैं आलू भुजिया से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी बगल वाली घंटी को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाली कोई भी रेसिपी आप मिस ना कर पाए।